आज हम बात करने वाले हैं कतई गांड फाग देने वाली और इंडियन सिनेमा का नाम रुतबा चुतबा सब कुछ चेंज कर देने वाली दो पिक्चरों के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। से पहले आती है अपनी सलाह और सेकंड नंबर पे जवान, क्योंकि भाई लोग देखो ये दोनों मूवी ऐसी अंडररेटेड मूवी है जिनका नाम ही काफी है यार, क्योंकि इनका नाम इतना हाइप बना देता है कि तुम सोचो इनके नाम पे मेरे व्यूज आ जाते हैं। इतना घटिया चैनल होने के बाद भी आते हैं तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा भाई कितना घटिया है। बंद करो हाथ की बेइज्जती, खुद के मुंह से ज्यादा कम कर दिए तुम्हारे भाई ने। तो आते यार अपने मूवीज को लेकर, तो भाई लोग देखो आप सोच रहे होगे कि चूतिया मत बना, सीधे सीधे गांडू सीधे सीधे बातें कर। तो भाई लोग बात करेंगे सबसे पहले तो सलार को लेकर, क्योंकि ये आने वाली है 28 सितंबर को। और भाई लोग देखो सलार की इस साल 3 मूवीज आएगी। सबसे पहले आएगी 16 जून को आदि पुरुष, उसके बाद आएगी 28 सितंबर को अपनी सलार, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि उसको डायरेक्ट कर रहे प्रशांत अनिल सर। और उसके बाद आएगी गाइज प्रोजेक्ट के, जो कि 2024 में आएंगी, क्योंकि प्रभास को न्यू कॉन्सेप्ट पे काम करने की आदत है, जैसे कि साहू और राधेश्याम। साल आने वाली है जवान, जो कि 2 जून को आने वाली थी, पर प्राइस इसके पोस्टपोन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि भाई लोग कोई बोल रहे पोस्टपोन होगी, कई अपडेट बोल रही कि गांड मराने जाए, पर भाई लोग जब भी आएगी ना, मैं बता रहा हूँ 1-2 महीने लेट भी हुई और 2 जून को भी आई तो ये तबाही मचाएगी, क्योंकि पठान की हाइप देख लो यार, शाहरुख खान 4 सालों के बाद आए और कितनी तबाही कर रही है, और वो 1000 करोड़ एक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है, तो इसे बोलते हैं कमबैक, वो भी गांड फाग देने वाला। तो तुम्हें क्या ओपिनियन है इन दोनों मूवीज़ को लेकर जरूर बताना, तुम किन सी मूवी के लिए एक्साइटमेंट बनाए रखे हो अपने गोटियों में जरूर बताना, और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं, मिलते रहेंगे, टाटा बाय बाय।